रेवाड़ी में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए युवक की सिफारिश पर आए हरियाणा के रेवाड़ी कोर्ट के वकील ने फूलबाग थाने में हंगामा किया। वकील के द्वारा हंगामा करने पर भिवाड़ी पुलिस हरियाणा के वकील को भी शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब हरियाणा के वकीलों को वकील की गिरफ्तारी की जानकारी लगी तो कई वकील भिवाड़ी फूलबाग थाने पहुंचे और पकड़े गए वकील से मिलने की जिद करने लगे। गेट पर खड़े सिपाही राकेश ने जब वकीलों को अंदर जाने से मना किया तो वकीलों ने सिपाही से बदतमीजी की। वहीं पुलिस ने चारों वकीलों को भी शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। इन चारों वकीलों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया। भिवाड़ी DSP सिद्धांत शर्मा ने बताया कि पुलिस ने केशव नाम के युवक को शांति भंग में गिरफ्तार किया था, जिसकी सिफारिश में एडवोकेट विजय यादव आया, जिसने पुलिस से बहस की। पुलिस ने एडवोकेट को शांति भंग में गिरफ्तार किया। वहीं रेवाड़ी से आए अन्य वकील रविंदर यादव, दिनेश कौशिक, जोगेंद्र राव और सुरेश राव ने सिपाही से जिद बहस की, जिनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग और 4 वकीलों को राजकार्य में बाधा में आज पेश किया। एक व्यक्ति को 151 में बंद किया था, जिसमें जो वकील आए उन्होंने आके थाने में थोड़ी इस तरीके से अभद्रता की संधि के साथ, तो इसमें 4 व्यक्ति जो है उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है, 4 वकीलों के खिलाफ, और जो टोटल 5 वकील हैं उनको शांति भंग में बंद किया।